ये मशोबरा में क्या क्या होगा, 1 साल की क्या मतलब बागवानों को क्या क्या जानकारियां उपलब्ध होगी फार्मर के लिए? अच्छा देखिए, ये जो हमारा रीजनल हॉर्टिकल्चर स्टेशन है मशोबरा है, ये डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी का एक रीजनल स्टेशन है। यहाँ पर जो हमारी मेन एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर हम 3 क्रॉप पे काम करते हैं, सेब, नाशपाती और चेरी। ये तो एक इसमें भी इनके जितने भी विभिन्न पहलू हैं इस पे, जैसे सेब पे पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे एक तो रिसर्च रिसर्च है, इसमें सारी कौन कौन सी वैरायटी लगानी है या कौन सा रूट स्टॉक है, कौन सी कितनी इसमें खाद की मात्रा पड़नी, या इस तरह का मतलब जो अल्टीमेट एम हमारा है इसमें प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ानी है। दूसरा इसके अलावा आता है हमारा ये सारी क्रॉप से मेन, जैसे मैंने अभी बताया ये सेब, नाशपाती और चेरी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास तो फ्लोरिकल्चर का भी है। फ्लोरिकल्चर में भी जो फूल खास करके जो निचले इलाके में नहीं हो सकते, जो ठंडे इलाके में होते हैं, उसका भी यहाँ पर काफ़ी स्कोप है और काफ़ी मात्रा में यहाँ से लोग खरीद के भी ले जाते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं काफ़ी, वो भी यहाँ से काफ़ी ये फूलों के पौधे ले जाते हैं। इसके अलावा एक तो रिसर्चेबल इश्यूज हो गए हैं इसमें इन क्रॉप्स से, क्योंकि मेजर क्रॉप्स है। इसके अलावा एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ है। एक्सटेंशन में ज़्यादा फोकस हमारा रहता है कि किसान भाइयों के लिए, बागवानों के लिए, जो समय समय पर उनको इसकी जानकारी देनी है कि इनमें कौन कौन सी जैसे कोई प्रॉब्लम आती है समय समय के हिसाब से। जैसे सेब में शुरू में जब हम विंटर ऑपरेशन शुरू करते हैं, इसमें आजकल सर्दियों में जैसे ट्रेनिंग प्रूनिंग का है, ये कब करनी है, उसके बाद ये खाद डालनी है तो कितनी मात्रा में डाल दीजिए, ये बड़े टेक्निकल काम है। और उसके बाद फिर समय समय से जैसे इसमें ये फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद से लेकर जब तक हमारा फल का तुड़ान नहीं होता है, उस समय इसमें काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं बीच में, तो उसका भी हम हमारे पास जैसे बहुत सारी बीमारी आती है तो उसके भी समय समय पर हम बागवानों को बताते हैं कि अब कौन कौन सी स्प्रे करनी है, क्या करनी है। ये तो एक रिसर्चेबल ये है एक्टिविटी। इसके अलावा हम कैंप भी करते हैं सर्दियों में खास करके। अब जैसे क्योंकि ये सारे जो शीतोष्ण फल है, इसमें जितना भी हमारे वो चाहे गुठलीदार फल है चाहे सेब नाशपाती वगैरह है, इसके जितने भी हमारे कार्य होते हैं सारे सर्दियों के कार्य हैं आजकल। तो हमारा मेन एक फोकस ये भी रहता है कि बागवानों को आजकल हम ट्रेनिंग प्रदान करें, खास करके काट छटाई, काट से सभी फलों, क्योंकि ये एक बड़ा टेक्निकल काम है। इसके अलावा और ये ट्रेनिंग कैंप्स हमारे खास करके, तो अभी भी हमारे अभी जैसे जनवरी फरवरी में है, इस समय हमने काफ़ी बीच बीच में करते रहते हैं, उसकी डेट तो हमने फिक्स की नहीं है, लेकिन हमारे पास काफ़ी प्रेशर रहता है ट्रेनिंग्स का भी, सरकारी संस्थान से भी रहता है, फार्मर से भी रहता है। तो इंडिविजुअल फार्मर्स को तो वैसे तो हम फोन पे भी देते रहते हैं या कुछ जो यहाँ आ जाए उनको भी, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ग्रुप्स में आना चाहें, जैसे हमारे पास आते हैं जगह जगह से कोई उनको विभाग वाले भी जाते हैं, उद्यान विभाग से, वो चाहे कोटखाई से आए, चाहे चौपाल से या करसोग से, मंडी से, जगह जगह से आते रहते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल एक्टिविटी हम क्या करते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक ये वैराइटीज़ की बात रही, ये भी एक अभी किसान भाइयों में, किसान लोगों में बड़ी क्लियर कट नहीं है कि कौन सी वैरायटी कहाँ लगानी चाहिए। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है इसके उनको हमारे से या थोड़ा सा टच में रहें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोअर वैरायटी, क्योंकि इस समय जो बागवान है वो हर एक जो है नई नई वैरायटी के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है कि भी इंटरनेट पे हर एक कोई देख लेता है, उस पर तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, वो मोस्टली इंटरनेट का वो बाहरले मुल्क के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर वही वैरायटी यहाँ हम डायरेक्टली लगाते हैं तो एकदम तो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो वैरायटी यहाँ ना चले। तो जो हमारे में जितनी भी अभी स्पर वैरायटीज, बहुत सारी स्पर वैरायटीज आई हुई हैं, लेकिन इससे पहले तो हमारे पास सिर्फ और डिलीशियस ग्रुप था, वो सारे में लगा। उसमें भी जो हाइट के बगीचे हमारे ऊंचाई वाले, उसमें तो ठीक प्रोडक्शन आ जाती है या रंग आ जाता है, लेकिन जो हमारे मध्य या निचले क्षेत्र के इलाके हैं उसमें रंग की मेजर प्रॉब्लम है, तो जिसे बागवानों को ठीक दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने या डिपार्टमेंट ने काफ़ी पहले समय से काफ़ी स्पर वराइटीज पे नई नई स्पर वराइटीज लाई हैं, और उनका अभी तक चयन तो हो चुका है कि भी हमारे निचले इलाकों के लिए कौन से होंगे। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारे
निचले इलाके हैं या मध्य मध्य पर्वतीय क्षेत्र या निचले इलाके हैं वहाँ के लिए दो तीन किस्में हैं, जैसे एक सुपर चीप है, फिर स्कारलेट स्पर है, अर्ली रेड वन है, ये तीन वैरायटी हैं। तो एकदम ये जुलाई के फर्स्ट या मिड जुलाई तक ये तैयार हो जाती हैं। और इसके लिए एक नई वैरायटी जैसे खेल गाला की हम बात करते हैं, पोलनाइजर है। अब पहले हमारे पोलनाइजर रेड गोल्ड थे, गोल्डन डिलीशियस थे, इसमें फार्मर्स को या बागवानों को ये लगा कि इसमें ज़्यादा दाम नहीं मिलता है। तो हमारे पास अब बहुत सारी इस तरह की किस्में आ चुकी हैं जो लग भी गई हैं, जैसे अभी मैंने बताया गेल गाला है, रेडलम गाला है। और ये किस्में जो हैं, एक तो सेल्फ पोलनाइजिंग है, दूसरी जो इसमें लाल रंग आता है फ्रूट का, इससे इनकी अपनी एक मार्केट वैल्यू है, कमर्शियल हम कह सकते हैं इसको। तो निचले क्षेत्र के लिए तो ये है। तो अगर ऊंचे ऊंचे वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारे, वैसे तो वहाँ पर लोगों ने अपने हिसाब से उन्होंने सिलेक्ट की भी जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके, क्योंकि रॉयल ही लगाना है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और थोड़े रॉयल से जो 10-15 दिन पहले वैरायटी लगाना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास है, जैसे वांस डिलीशियस है, उसके पास ओरिगन स्पर है, ये एक या टॉप रेड है, ये अच्छी किस्में हैं जो जिसमें रंग भी पूरा आ जाता है, बिल्कुल डिलीशियस की तरह ही है ये भी, तो इसका चयन कर रहा है। अब गलती क्या हो रही है, फार्मर क्या कर रहा है, जो ऊपरले इलाके में भी वो ये लगा रहा है, सुपर चीप लगा रहा है या स्कारलेट्स पर लगा रहा है, तो इन वैरायटी का ऊपर जब ये क्योंकि लेट आती है उसमें बहुत गाढ़ा रंग हो जाता है, जिस वजह से इसकी मार्केटिंग नहीं है। तो ये वैरायटीज का चयन करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, और इससे मेरे ख्याल से बागवानों को, जो हमारे प्रगतिशील बागवान है, उनसे भी टच में रहना चाहिए, या जो हमारे स्टेशन है जगह जगह पे, जैसे हमारे यहाँ पर है, फिर लेकिन और फिर इसमें शारमो में है, वहाँ से इनके साथ संपर्क में रह के थोड़ा सा लाभ मिलेगा ये।